कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग देश में शुरू हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संयंत्र से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के 13 शहरों में पहुंच गई। इसी कड़ी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली खेप हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बॉक्स उतारे गए। इसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र लाया गया। कुरुक्षेत्र के रीजनल सेंटर से हिसार, गुरुग्राम और रोहतक के अलावा जिलों में बने हुए स्टोर में वैक्सीन की पहली सप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विशेष ट्रकों से वैक्सीन की पहली खेप निकाली गई है। देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए अलग अलग राज्यों में वैक्सीन का वितरण शुरू हो गया है। शुरुआती चरणों में पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। फिर गंभीर बीमारियों के शिकार हुए लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ये कोविड वैक्सीन है कोविशील्ड, ठीक है। ये करीब 2,41,500 के करीब डोजेज आए हैं। सारी जो पूरे हरियाणा में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जो फर्स्ट डोज भी हमने देनी है, वो वैक्सीन यहाँ पर लाई गई है। यहाँ से जो हमारे अदर रीजनल सेंटर्स हैं उनके अंदर पहुँचाई जाएगी। रीजनल सेंटर से फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। तो कहाँ कहाँ कुरुक्षेत्र से, क्या पूरे हरियाणा कुरुक्षेत्र? हाँ, जिलों में जाएगी? नहीं नहीं, कुछ जिलों में जहाँ पर हमारे यानी कि जो वेयर हाउसेज हैं रीजनल सेंटर हैं, जैसे जैसे हमारा रोहतक के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, हिसार के अंदर है और चौथा कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो कितना समय लगा बाई एयर आई हैं ये? काफ़ी कीमती है, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था इसका, आखिरकार अब वो इंतजार। देखो बड़ी अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि भाई ये कोविड वैक्सीन हरियाणा के अंदर आ गई है और जो हमारा फर्स्ट फेज के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन इनकी बिल्कुल लगेगी। 16 तारीख से इसका इनके लॉन्च होगा वैक्सीन का। आपको बता दें कि भारत में एक साथ दो कोरोना की वैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को मंजूरी दे दी गई थी और अब कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।